नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी का, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत आसान और आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल भी टॉपिक है ये। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डाटा एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है डाटा, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें कि देखने में आसान लगे, इसमें से हम कुछ अपने काम की चीजें निकाल पाए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमरजीत है, IIT रुड़की से MSc मैथमेटिक्स, और पिछले 7 वर्षों से बच्चों को IIT JEE और बाकी तमाम एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ। ओके, चलिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप टेलीग्राम से जरूर हमसे जुड़ जाइए। जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उनके नोट्स, PPT, PDF वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करो, वो आपको टेलीग्राम तक पहुंचा देगा और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएंगे। ओके, और जितनी भी हमारी पुरानी और नई PPT है, नोट्स है, PDF, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। पहले डिस्कस करेंगे डाटा क्या होता है, उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो डाटा यानी कि आंकड़े, यानी कि एक तरीके से कुछ नंबर्स का कलेक्शन मोटे तौर पे, है ना, क्योंकि हमें उन नंबर से अपने काम की चीजें निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ रहे हैं, नहीं ठीक से पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे पता किया जाता है। तो इसको पता करने का एक तरीका यह है कि बच्चों का कभी कभी एग्जाम ले लिया जाता है, बीच में टेस्ट ले लिया जाता है क्लास के अंदर। क्लास में बच्चों के जैसे नंबर आए होते हैं, उससे पता लगा लिया जाता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, जैसे सपोज आपकी क्लास में से 10 बच्चे हैं और आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ और बच्चों के नंबर ये आए, एक के 20 नंबर आए, एक के सपोज 30 नंबर आए, एक के 50 नंबर आए और एक के 80 नंबर आए, एक के 85 नंबर आए, एक के 79, एक के 99, एक के पूरे 100 में से 100 आ गए। कितने हो गए ये, 3 और 3 6 और 2 8, और दो बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 95 आए और एक के 92 आए। ठीक है, तो देखो ये आपकी क्लास के जो बच्चे ने एग्जाम दिया है, ये उसका डाटा है। इस डाटा से साफ साफ पता लग रहा है कि बच्चों का परफॉर्मेंस मोटे तौर पे काफी अच्छा रहा है, है ना, ज्यादातर बच्चों ने जो अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये नंबर का कलेक्शन एक तरीके से डाटा। इसका इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये पता करना है कि भाई बच्चों के, आपकी क्लास में बच्चे हैं, उनके कितने नंबर आए हैं। तो एक तरीका तो ये कि बच्चों से पूछ लो या खुद जो है वो बच्चे बता दें आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है, अब जो आपकी क्लास में मैडम है उनसे पूछ सकते हो कि उनके पास भी सारे बच्चों के नंबर हैं। अगर ये अलाउड किया जाता है बताना, तो शायद वो बता दें आपको, है ना। तो डाटा को जब आप कलेक्ट करते हो, या एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास के जो बच्चे हैं आपको उनकी हाइट पता करनी है, ठीक है, उनकी हाइट का डाटा चाहिए। तो कोई बच्चा जो है वो सपोज 162 सेंटीमीटर का है, सपोज, ओके, कोई 150 सेंटीमीटर का है, ये उनकी हाइट्स दे रखी है कुछ। एक बच्चा 165 सेंटीमीटर का है। तो इसको पता करने के तरीके क्या हैं? एक तरीका तो यह है कि आप जाके बच्चों की हाइट नाप लो, है ना, खुद आपने इंच टेप लिया और बच्चों की हाइट नाप ली अपने साथियों की, तो उससे आपके पास डाटा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप मान लेते हैं कि आपके स्कूल में कभी पिछले साल बच्चों की हाइट को नापा गया था और वो डाटा आपके स्कूल के पास है, स्कूल के रिकॉर्ड में है, तो आप स्कूल के रिकॉर्ड में से वो डाटा ले सकते हो, उनसे कह सकते हो कि मुझे बच्चों की हाइट जाननी है और मुझे इसका ये जरूरत है। अगर उन वो उसको दिखाना उनकी पॉलिसी में है तो आपको दिखा देंगे, अदरवाइज पॉलिसी में नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। तो देखो
आपके दो तरीके हैं डाटा को निकालने के। एक तरीका तो ये है कि आप सेल्फ कलेक्ट करो, है ना, खुद से डाटा कलेक्ट करो। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी दूसरे से मांग लो, है ना, आस्क फॉर ए पर्सन, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, पर्सन है, उससे मांग सकते हो। तो जब आप खुद से डाटा कलेक्ट करते हो तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। और जब आप किसी दूसरे से डाटा मांगते हो, जैसे स्कूल से आपने डाटा मांगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। अच्छा, अब इन दोनों डाटा में अंतर क्या है? एक अंतर तो ये है कि जो उनकी डेफिनेशन से ही आ रहा है कि आपने खुद इकट्ठा करा है, दूसरा किसी से मांगा है। दूसरा अंतर ये है कि जो आपने प्राइमरी डाटा खुद इकट्ठा करा है, ये क्या होता है? ये ज्यादा रिलायबल होता है, मोर रिलायबल। आप इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो क्योंकि आप अपने आप से तो झूठ बोलोगे नहीं, और जो दूसरे से इकट्ठा किया है ये आपका लेस रिलायबल हो सकता है। हो सकता है कि उसने डाटा कलेक्ट करने में कुछ लापरवाही कर दी हो, ठीक से ना नापा हो। जैसे बच्चों की हाइट अगर हमें नापनी है तो कोई गलत भी गलती से नाप सकता है। या मान लेते हैं कि जब पिछले साल डाटा नापा गया था, बच्चों की हाइट नापी गई थी, तो एक बच्चा चला गया स्कूल छोड़ के उसके बाद से, और एक नया बच्चा आ गया। तो अभी सेकेंडरी डाटा के अंदर जो नया बच्चा आया है उसकी हाइट तो है नहीं, और जो पुराना बच्चा आया है उसकी हाइट लिखी हुई है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी डाटा इसीलिए थोड़ा कम रिलायबल होता है। ठीक है, तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है इसके अंदर इसी तरह के सवाल हैं, जिसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो बहुत आसान आसान सवाल है, अगर आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर है तो इजीली आप इसको बता दोगे। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो मान लेते हैं, देखो भाई, आपकी क्लास में टेस्ट हुआ था और बच्चों के ये नंबर आए हैं, 100 में से एक बच्चे के नंबर जो है वो से 68 आए हैं, एक के 70 आए हैं, एक के 20 आए हैं, एक के 50 आए हैं, एक के 95 आए हैं, एक के 68 आए हैं, कितने हो गए? 3 और 3 6, एक के जो है वो से 25 मार्क्स आए हैं, एक के 73 आए हैं, एक के 75 आए हैं, और एक के पूरे 100 आए हैं। ओके, और सबो 10 ही बच्चे हैं क्लास के अंदर। अभी इससे हमें क्या पता लग रहा है? अगर हमें ये पता लगाना हो कि बच्चे परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। लेकिन इसी डाटा को हम अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें तो हमें और अच्छी से चीजें पता लग जाएंगी, है ना। तो जैसे हम इसको लिखते हैं, सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे कम नंबर है आपके 20, फिर है 25, फिर है 50, फिर 68, फिर 68, और फिर आपके 70, फिर 73, फिर 75, फिर 95, और फिर 100। कितने 10 हो गए? 3 और 3 6 और 4 10। यस, 10 बच्चों के नंबर हमने लिख लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखो हमें क्या क्या पता लगा। हमें ये चीज तुरंत पता लग रही है कि देखो इन बच्चों का परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा है। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको काफी मेहनत की जरूरत है, उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अगर मेहनत जारी नहीं रखी तो उनका परफॉर्मेंस गिर जाएगा, मेहनत अगर और अच्छी करना शुरू कर देंगे तो उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा, वो मिड में आते हैं। तो देखो डाटा का ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, इससे हमें काफी अच्छी जानकारियां मिल जाती हैं आसानी से। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो आपका सबसे कम वैल्यू है डाटा की और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है डाटा की, उनके डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ डाटा।
रेंज ऑफ डाटा की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपके डाटा की आ रही है माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे देखो सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं 100 हैं और सबसे कम नंबर कितने हैं 20 हैं, तो इसकी रेंज कितनी आ गई 80। तो इस डाटा की जो रेंज है वो 80 है, तो बच्चों के नंबर जो है वो 80 के इंटरवल में फैले हुए हैं। ओके, तो ये भी छोटी सी डेफिनेशन है। इसके ऊपर कभी कभी इक्का दुक्का सवाल एक नंबर का कहीं पूछा जा सकता है, वैसे आमतौर पर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंटेशन का, लेकिन कई बार क्या होता है डाटा आपका बहुत बड़ा हो जाता है, इससे भी बड़ा हो जाता है। तो 10 ही बच्चे हैं, 100 बच्चे भी हो सकते हैं, 500 बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना तरीका कौन सा, फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको फ्रीक्वेंसी टेबल। इससे हमें थोड़ा डाटा को लिखने में आसानी होती है। और दूसरा तरीका हमारा होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे इन चीजों को, ये होती क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, These are the marks obtained by 30 students of class 9th of a school. बच्चों के नंबर हैं आए हैं 30 बच्चे हैं, नंबर आए हैं 100 में से, ये नंबर दे रखे हैं आपको 10, 20, 36, 92, 95, 40। इसमें कहा है draw a frequency distribution table of these data। ये जो डाटा दे रखा है इसका frequency distribution table बनाओ। देखो frequency क्या होती है, पहले frequency समझते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, तो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कि जो भी आपका नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, है ना। जैसे इसके अंदर आपके नंबर लिख लेते हैं, बच्चों के नंबर क्या क्या आ रहे हैं। एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स, फिर उसके बाद लिखेंगे या अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, बच्चों के मार्क्स, फिर इसके बगल में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और यहां पे लिखेंगे टैली मार्क्स, ये भी लिख लेते हैं। देखो ये होता क्या है, एक एक करके समझते हैं ये चीजें क्या हैं। मार्क्स तो आपके वही हैं जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो बच्चों के मार्क्स क्या क्या आए हैं, एक तो 10 नंबर हैं सबसे कम, और इसको लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, 10, फिर इसके बाद 10 के बाद सीधा 20 है, 20 के बाद आपका जो सबसे कम नंबर है वो सीधा 36 है, है ना, और 36 आपका दो जगह आ रहा है, नहीं तीन जगह, 36 कितनी बार आया है, ये तीन बार आया है। तो ये जो आपका 36 कितनी बार आया है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 36 की। तो 36 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 3 है, क्योंकि वो तीन बार आया है। 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 1 है, है ना। और इसी फ्रीक्वेंसी को आप नंबर से भी दिखा सकते हो, टैली मार्क से भी दिखा सकते हो। टैली मार्क क्या होता है, जितने आपका फ्रीक्वेंसी आ रही है उतने डंडे लगा दो। जैसे एक डंडा यहां लगा दिया, एक बार आया तो एक बार लगा दिया, 36 आपका तीन बार आया, तीन डंडे लगा दिए। और अगर कोई नंबर आपका 5 या 5 से ज्यादा बार आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको ऐसे करके काट देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर आपका 7 बार आया है, तो उसको 1, 2, 3, 4 और ये 5 ऐसे करके काट देंगे। कोई नंबर आपका सपोज 12 बार आया है तो उसको ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9 और ये 10 और 11, 12। ठीक है, जो कटा हुआ डंडा है वो बताता है कि मार्क्स आपके ये 5 बार है, 5, 5 का बंडल है।
ये पांच का बंडल, ये पांच का बंडल, तो 5 और 5 10 और 2 12। तो इसका फायदा ये है कि हमको बस बंडल काउंट कर लो, हमें पता है बंडल में 5 होंगे, है ना, एक एक करके सबको काउंट करने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया 36, आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो सीधा है 40, तो 40 लिख लेते हैं। तो 40 आपका देखो यहां पर आ रहा है, और एक यहां पर 3 बार, और ये आपका 4 बार, 40 आपका 4 बार आया है, सॉरी। तो इसका टैली मार्क कितना हो गया, 1 2 3 4। फिर इसके बाद 40 के बाद आपका नंबर है सीधा 50, तो 50 एक बार यहां पे, 2 बार यहां पे, 3 बार यहां पे, तो 50 आपका 3 बार आ रहा है, 1 2 3। फिर 50 के बाद आपका सीधा है 56, तो 56 आपका 1 और यहां पर 2 बार, 56 2 बार। 56 के बाद आपका है 60, 60 आपका 1 2 3 और ये 4, 60 आपका 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 2 बार। फिर 60 के बाद आपका आ रहा है सीधा 70, 1 2 3 4, 70 भी आपका 4 बार आ रहा है। सत्तर के बाद सीधा 72, जो सिर्फ एक बार आ रहा है, और 72 के बाद आपका है ये 80, 80 सिर्फ एक बार आया है, और 80 के बाद आपका 88, 88 ये आपका सिर्फ एक बार आया है, और 88 के बाद आपका 92 जो कि 3 बार आया है, यहां पे लिख देते हैं ये 3 बार, 1 2 3, और आखिर में आपका आया है 95, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सिर्फ एक बार आया और इसका टैली मार्क बन। तो ये हमने पूरी क्या बना ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, ठीक है। अब देखो इस टेबल के अंदर क्या हो रहा है, अच्छा 88 देखो आपका 2 बार आया है, माफ कीजिएगा 88 2 बार है, तो 88 आपका यहाँ पे 2 बार आएगा, और 95 आपका एक बार आ चुका है। तो पूरी टेबल बना ली, इस टेबल से देखो क्या क्या बातें पता लग रही हैं। एक बात तो ये पता लग रही है कि देखो ये आपका 40 है, ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, और 60 भी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 70 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, चार चार बार आ रहे हैं। तो ज्यादातर बच्चों के जो नंबर हैं वो 40, 60 और 70 आए हैं। फिर इसके बाद आपके 50 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, 92 नंबर आए हैं 3 बच्चों के। तो डाटा को इस तरह के ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेने से हमें काफी सारी जानकारियां इजीली मिल जाती हैं। तो ये तो था हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल, ओके। इसी तरीके से एक तरीका और है डाटा को रिप्रेजेंट करने का, वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को अभी हमने नंबर लिखे हैं यहाँ पे, एक एक नंबर लिखा हुआ है ना, 10 20 36 40 50 56 60 70। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं हम, नंबर ना लिखकर इंटरवल लिख लेते हैं, क्लासेस लिख लेते हैं, है ना। जैसे हम ऐसे भी नंबर लिख सकते हैं, सबसे कम नंबर है आपके 10, इंटरवल बना सकते हैं 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का, है ना, 40 से 50 का, 50 से 60 का, 60 से 70 का, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 90 से 100। अब इसका फायदा देखो क्या है, इसका फायदा ये है कि आपके नंबर कितने भी क्यों ना आए, और एक 0 से 10 का भी ले सकते हो, 0 से 10, आपके बच्चों के कितने नंबर भी क्यों ना आए, आप हमेशा इस इन 10 रो के अंदर बच्चों के सारे नंबर लिख सकते हो। इन 10 के अलावा 11वीं रो बनाने की जरूरत नहीं है,
जबकि जो पिछला वाला हमारा मेथड है, अगर किसी बच्चे के सपोज 37 नंबर आ जाते तो हमें 37 का यहाँ पर रो बनानी पड़ती। अगर किसी बच्चे के 42 नंबर आते तो 40 और 50 के बीच में उसकी भी रो बनानी पड़ती। तो हमारी जो रो है वो कितनी हो जाती है, 100 तक रो हो सकती थी। हो सकता है एक बच्चा एक नंबर लाए तो सॉरी 30 रो हो सकती थी, है ना, 30 तरह के नंबर हमें मिल सकते थे। लेकिन ये वाला जो मेथड है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके अंदर बच्चों के नंबर कितने भी क्यों ना आए, इन 10 रो से ऊपर मामला नहीं जाएगा। तो ये इसका फायदा है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसकी टेबल कैसे बनती है। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मान लो किसी बच्चे के नंबर 10 आ गए, तो 10 नंबर जिस बच्चे के आए हैं हम उसे इसमें रखें या इसमें रखें, है ना, क्योंकि 10 नंबर दोनों जगह दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है। तो हमने रूल ये बनाया है कि हम क्या करेंगे, जो कम इंटरवल वाला है उसमें रखेंगे, है ना, जिसमें 10 की वैल्यू कम है उसमें रखेंगे, लोअर वैल्यू रखी जाएगी अपर वैल्यू नहीं रखी जाएगी। तो 10 नंबर वाला इसमें जाएगा, 10 से 20 वाले में इसमें नहीं जाएगा, 0 से 10 वाले में नहीं जाएगा। इसी तरह किसी बच्चे के अगर 40 नंबर आए हैं तो 40 नंबर वाला बच्चा इस वाले में नहीं जाएगा बल्कि इसमें जाएगा, 40 से 50 वाले में। ओके तो चलो सवाल करते हैं, समझते हैं इसको। इसमें कहा है ड्यूरिंग वन महोत्सव 150 सैपलिंग्स वर प्लांटेड इन ईच ऑफ दी 100 स्कूल्स। 100 स्कूल हैं और हर स्कूल के अंदर आपने 100 सैपलिंग्स को प्लांट किया है। ओके 100 सैपलिंग्स को आपने प्लांट किया है। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव ऑफ द प्लांट्स प्लांटेड ए मंथ लेटर। जब एक महीने बाद हम स्कूल के अंदर गए, स्कूलों में गए, तो पता लगा कि बहुत से जो पौधे थे जो आपने सैपलिंग्स लगाई थी, बहुत से पौधे मर गए थे और कुछ ही बचे थे। कितने बचे थे, एक स्कूल के अंदर 95 बचे गए, एक में 67 बचे, एक में सिर्फ 28 बचे, यहाँ पे केयर कम हुई होगी, है ना। एक स्कूल में देखो 98 बचे गए, सिर्फ दो ही पौधे जो है वो खराब हो पाए, बाकी 98 पौधे स्कूल के बच्चों ने, स्कूल के स्टाफ ने बचा लिए। अब इसमें कहा है राइट दीज डाटा एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जैसे पीछे बनाई थी, एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप जैसे पीछे मैंने आपको बनानी सिखाई थी एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। तो ये आपके लिए छोटा सा एज एक्सरसाइज है। मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बनानी सीखेंगे। तो देखो इसके लिए डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और हम एक इंटरवल लेंगे जिसके अंदर डाटा को ब्रेक करेंगे। तो जैसे एक इंटरवल हम ले लेते हैं, सबसे कम आपका 28 आ रहा है ना, तो मैं स्टार्टिंग में ये ले लेता हूं क्लास इंटरवल 20 to 30, फिर 30 to 40, 10 10 का गैप ले लिया। ओके 40 to 50 इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स या क्लास इंटरवल। और फिर इसके बाद आएगी फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने पौधे हैं जो उस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। क्लास इंटरवल हमने ये बनाया, एक तो 20 to 30, एक 30 to 40, एक 40 to 50, एक 50 to 60, एक 60 to 70, एक 70 to 80, एक 80 to 90 और एक 90 to 100। ओके अच्छा हम देखते हैं 20 to 30 में कितने आपके पौधे, मतलब कितने स्कूल आ रहे हैं जहां पर जो पौधे आपके बच्चे हैं 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। तो देखो एक आपका ये है जिसमें 28 बच्चे हैं, दूसरा आपका 20 से 30 के बीच में, दूसरा आपका कहाँ गया,
यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और सिर्फ एक है। 20 से 30 के बीच में सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल है जिसमें 20 से 30 के बीच में बच्चे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर है 30 से 40 के बीच में कितने हैं, तो 30 से 40 के बीच में लिखने हैं। तो देखो 30 से 40 के बीच में एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक ये रहा, और ये देखो 40 नहीं लेंगे, 40 जो है आपका 40 से 50 के इंटरवल में जाएगा। फिर एक नंबर आपका 30 से 40, तो 30 से 40 ये रहा एक, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा देखो 20 से 30 के बीच में एक नंबर और ये 23 था, ये रह गया, इसको वहां पे ऐड कर देते हैं फिर से, तो 2 है एक्चुअली, 20 से 30 के बीच में 2 है, और 30 से 40 के बीच में एक ये रहा और ये रहा। 30 को लेंगे हम क्योंकि कम में है, एक ये रहा, काफी सारे हैं इसके अंदर। अच्छा 20 से 30 के बीच में एक ये भी आ गया, ये 3 है, 27। देखो पहले नहीं दिखा था, अब दिख गया। 30 से 40 के बीच में ये रहा और ये रहा, कितने आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गए जो 30 से 40 के बीच में है। और देख लेते हैं कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया, नहीं, 30 से 40 के बीच में यही है, तो कितने हैं 13। फिर है 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कितने हैं हमारे, तो 40 से 50 के बीच में एक ये है, एक ये है, 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 और आपका ये है, और एक आपका ये है, तो कितने आए हमारे, ये हमारे आ गए, रेड काउंट करने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 40 से 50 के बीच में 12 आए हैं, और 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आपका देखो, अच्छा देखो 37 रह गया यहाँ पे जो कि आपका 30 से 40 के बीच में आएगा, तो इसको ठीक कर देते हैं, ये 30 से 40 के बीच में आएगा, तो ये 14 हो गए, दरअसल 30 नहीं है, ये 14 है। और हम काउंट कर रहे हैं 50 से 60 वाले, 50 से 60 वाले कौन से हैं, तो 50 से 60 के बीच में एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, एक ये रहा,
एक ये है, एक ये रहा, यस, इसके बाद नहीं है। तो हमारे आए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 हैं जो 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, फिर 60 से 70 के बीच में, उसको हम इसे ले लेते हैं, 60 से 70 के बीच में एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है, एक ये रहा 62 65 63, 64, 60, सॉरी ये नहीं है, 68, 62, 68, फिर से 69, 66, 66, 69, 66, यस, यही आए। कितने आए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 हैं हमारे जो 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं। अब बात करते हैं 70 से 80 वाले, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है लेकिन ये करना पड़ेगा, है ना। 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में मैं इनको लिख लेता हूं, इससे या 70 से 80 के बीच में एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। अच्छा देखो, 65 आपका रह गया जो कि आपका 60 से 70 के बीच में आना था, तो 60 से 70 के बीच में दरअसल 17 नहीं है, 18 है ना, ये 65 यहाँ पे रह गया, तो इसको भी यहाँ पे ठीक कर देते हैं। सेवेंटी से एट्टी के बीच में आपका 1 2 3, तीन तो हम लगा चुके हैं, चार भी लगा चुके हैं, 73, ये 76, 79, 75 और 76, इसे काम खत्म होने वाला है, 75, 75 और ये आपका खत्म। तो कितने हैं हमारे 7 के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हैं हमारे जो 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं। फिर 80 to 90, 80 to 90 देखना है, तो 80 to 90 में आपका देखो एक ये आया है, ये येलो शायद आपको दिखने में दिक्कत कर रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये ऑरेंज कर लेते हैं थोड़ा, 83, फिर 83, 85, 89, 81, 83, ये 86, 87, 81, 83, 82, 82, ये तो काफी सारे हैं 80 की रेंज में, 83, 85, 83, 88, 83, 89, 89, 86, 83, ओके। तो कितने आ गए ये हमारे? ये हमारे येलो वाले काउंट होकर आ गए, सॉरी ऑरेंज वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओहो 80 to 92 में आपके 22 आ रहे हैं।
और 9200 में कितने हैं, तो जो आपके बच्चे हैं वो आपके 9200 में जाएंगे। अच्छा रुको, 23 है, 83 यहाँ पे भी रह गया एक, ये आपके 23 है एक्चुअली में, एक आपका यहाँ पे रह गया। और 9200 में कितने हैं, वो आपके जितने बच गए वो हैं, जैसे एक आपका ये 95 है, 1 2 3 4 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ठीक है। तो ये 12 बचे गए, तो ये आपके 12 आ गए। तो देखो ये हमने जितने भी आपको मार्क्स, जितने भी पौधे हम बच गए थे उसके अंदर, उनका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग के फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से बनाए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपको काफी सारी जानकारियां मिल रही है। जैसे क्या जानकारी मिल रही है, एक जानकारी ये मिल रही है कि सबसे ज्यादा जो आपके पौधे बचे हैं वो 80 टू 90 के आसपास तक पौधे बच गए हैं, और वो कितने स्कूल हैं, ऐसे ऐसे 23 स्कूल हैं। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा बचे हैं वो आपके 60 टू 70 बचे हैं, और ये 18 स्कूलों में बचे हैं, है ना। तो इस तरीके से बनाया जाता है। आई होप आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। एक सवाल और देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया था, एक और देखो, ये थोड़ा छोटा सवाल है ये। इसमें कहा है द डिस्टेंसेस ऑफ द 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंसेस आर, 40 इंजीनियर हैं वो अपने घर पे रहते हैं, और उनके घर से उनके ऑफिस तक की डिस्टेंस दे रखी है, किसी की 5 किलोमीटर है, किसी की 3 किलोमीटर है, किसी की 10 किलोमीटर है, ये पूरा डाटा दे रखा है। इसमें कहा है टेक द फर्स्ट इंटरवल ऑफ 0 to 5, ठीक है, Which does not include 5, जैसा मैंने आपको बताया था कि बाद वाला नहीं लेते हैं, पहले वाला लेते हैं। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये इंटरवल बनाने हैं। And draw a grouped frequency distribution table with class size 5 from the data given above. तो ये डाटा हमें दे रखा है, इससे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है 5-5 के साइज की। तो देखो क्लास साइज क्या दे रखा है, 5, तो क्लास साइज या क्लास इंटरवल ऐसे लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंटरवल इन्होंने खुद हमें कहा है कि आप लो 0 to 5 का एक 5 to 10 का लो, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और 25 के बाद 25 to 30, 30 to 35, क्या 35 से ऊपर भी किसी की डिस्टेंस है क्या? देखो 35 से ऊपर किसी की डिस्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा आपकी 32 डिस्टेंस आ रही है, जो कि इस वाले इंटरवल के अंदर आएगी, और इसके ऊपर कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी अब हमें इंटरवल लेने की जरूरत नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं 0 to 5 कितनों की डिस्टेंस आ रही है। तो 0 to 5 आपकी ये है, ये नहीं लेंगे 5 वाली क्योंकि मना किया है, ये आएगी 3 ले सकते हैं, और 0 to 5 में आपका एक ये 2 आ रहा है, फिर आपका 3 आ रहा है, फिर आपका 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यस। तो आपके कितने हैं, और ये 32 नहीं आएगा, तो कितने हैं आपके, ऐसे 5 केस हैं। तो 5 इंजीनियर हैं जिनके ऑफिस से घर का डिस्टेंस 0 से 5 किलोमीटर के बीच में है। फिर 5 to 10 में कितने हैं, 5 to 10 में देखो, एक तो आपका ये है और ये नहीं लेंगे 10 वाला, एक ये है, एक ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, 5 को इस बार लेंगे, 9 भी लेंगे, 6 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे, 6 को भी लेंगे, 5 to 10 वाले काफी सारे हो रहे। कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7
आठ नौ दस ग्यारह, तो 5 to 10 वाले आपके 11 हैं, तो 10 to 15 वाले कितने हैं, तो 10 to 15 वाले आपके हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये 11, ये भी आपके 11 हैं। फिर 15 to 20 वाले कितने हैं, तो ये काउंट करना है 15 to 20, देखो 20 नहीं लेंगे 15 लेंगे, तो एक ये रहा 19 17 18 17 16 और फिर ये 15, ये 18 15 और ये 15, यस कितने आए हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ है ये, ओके। और 20 to 25 में 20 वाला सिर्फ ये एक है बस, तो 20 to 25 में एक है। 30 25 से 30, तो वो सिर्फ आपका ये भी एक ही है, और 30 से 35 में भी ये दो हैं, एक ये 31 एक ये 32, दो। तो ये हमने क्या कर ली, ये हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी, ओके। अच्छा अब ये आपने टेबल में कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, ये सही बनी है गलत बनी है, तो ये चेक करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप इनकी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ लो, ये फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, तो जितने लोगों का डाटा आपने लिया है उतनी आनी चाहिए, है ना, टोटल जितने आपका डाटा जितने लोगों का है, तो ये आनी चाहिए आपकी 40 इंजीनियर थे ना ये आपके, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर 40 आनी चाहिए, तो ये आपका कितना हुआ, 11 और 5 16, 16 और 11 27, 27 और 9 ये हो गए आपके 36, 37, 38 और 38 और 2 40, यस। यानी कि ये जो हमने कैलकुलेट बनाई है फ्रीक्वेंसी टेबल, ये करेक्ट है, इसमें गलती नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, या तो किसी के अंदर आपसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाएगा या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाएगा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ऐसी एक सवाल ये भी है, इसके अंदर भी आपसे ये कहा है कि 50 स्टूडेंट हैं, उनकी लेंथ दे रखी है और आपको 165 160 165 165 170 इनकी हेल्प, इनका टेबल बनानी है। तो देखो टेबल आपको ये बनानी है 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, इस तरीके से करते 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 लास्ट में सबसे ज्यादा, एक मिनट, सबसे छोटी, अच्छा इंटरवल आपको 160 से लेना है ना, देखो शुरुआत आप 160 से नहीं करोगे क्योंकि कुछ बच्चे 150 के भी हैं सबसे कम के, तो सबसे कम के आपके 150 के भी हैं, वो भी लिखना पड़ेगा, और अगर उससे छोटा हुआ तो उससे छोटा भी लेंगे, नहीं उससे छोटा नहीं है तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हमें लेना पड़ेगा सबसे छोटा 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, यस। और इससे ऊपर कोई नहीं है, 175 से ऊपर आपका कोई बच्चा नहीं है जिसकी हाइट 175 से बड़ी हो, तो बस हमारे ये पांच बने हैं, जल्दी से इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे आपका 150 से 155 के बीच में कितने आ रहे हैं, एक ये है, दो
ये तीन, ये चार, ये पांच, नहीं ये नहीं है, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये आपके 10, 11, ये 12 और ये 13। 13 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है। फिर 155 से 160 के बीच में कितनी है? तो वो एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, ये 160 नहीं लेंगे, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा, एक ये है और एक आपका ये है और एक ये रहा। तो ये कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से 160 के बीच में है। फिर 160 से 165 के बीच में ये कितने हैं? तो एक ये नहीं लेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, बस 14। तो ऐसे 14 ही स्टूडेंट है जिनकी हाइट इस इंटरवल में है। फिर 165 से 170 के बीच में ये आपके ये रहे, 165 से 170 के बीच में 1, 2, ये तीन, ये चार, ये एक ये रहा पांच, फिर ये छ, फिर ये सात, फिर ये आठ, फिर ये नौ और ये 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट इस इंटरवल में है और 170 से 175 के बीच में ये आपके ये रहे। एक स्टूडेंट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पांच स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट इस इंटरवल में आ रही है। ठीक है, तो ये हमने पूरा इंटरवल बना दिया, क्लास इंटरवल बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। इसमें कोई एरर ना आए ये चेक करने के लिए आप इन सबको ऐड करके देख लो। ऐड करके कितना आना चाहिए, कितने बच्चे हैं हमारे? 50 स्टूडेंट हैं। तो 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 0 हासिल लगी, 2 और 2 और 3 5, यस 50 आया। यानी हमने जो डाटा बनाया है ये बिल्कुल ठीक बनाया है। तो इसी तरह से आपको ही डाटा बनाना है। तो बस अभी के लिए जो इतना ही रखते हैं, अपने क्लास के जो सवाल हैं आपकी जो बुक में सवाल दे रखे उनको कर लेना, बहुत आसान सवाल, ज्यादा टफ नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो। नमस्कार।